के संपूर्ण नाश के लिए बाइडेन मोदी ने मिलाया हाथ। अब अमेरिका और भारत की फौज करेंगी बड़ा धमाका। बाइडेन ने रातों रात सैकड़ों भारतीय सैनिकों को बुलाया अमेरिका। चीन की हेकड़ी तोड़ने भारत अमेरिका करने वाले हैं कुछ बड़ा। दोस्तों, भारत और चीन के बीच युद्ध को लेकर तलवारें खिंच चुकी हैं। एक तरफ समंदर में चीन की सांसें रोकने के लिए भारत के दो युद्धपोत आईएनएस रणविजय और आईएनएस सतपुड़ा समंदर की लहरों पर रवाना हो चुके हैं, तो वहीं इंडियन नेवी की शान पोसाइडन 8i यानी P-8i विमानों ने चीनी सेना के ऊपर से उड़ान भर ली है। इधर चीनी सेना आनन फानन में लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगती सीमा पर हजारों सैनिकों को डिप्लॉय कर रही है। वहीं सीमा पर भारत की ताबड़तोड़ तैयारी से चीन की सेना और जिनपिंग सरकार अब डरी हुई है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसे करना क्या है, क्योंकि हर तरफ तो यूएन की बेहद खास संस्था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुन लिया गया है, जहां सभी सदस्य देशों ने भारी बहुमत से भारत को संस्था की सीट जितवा ली है। एलएसी पर भारत की क्या तैयारी है, इसका अंदाजा आप यूं लगा लीजिए कि भारत की हर एक चाल से चीन की सेना बौखलाई हुई है। भारत हर दिन नए नए सैनिकों और हथियारों को सीमा पर तैनात कर रहा है। वहीं भारत को अब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन का सीधा सपोर्ट मिला हुआ है। वहीं भारत इनडायरेक्टली ताइवान का भी सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में भारत का पलड़ा चीन से भारी होता जा रहा है। भारतीय सेना से चीन को कितना डर लग रहा है, इसको आज यूं समझ लीजिए कि भारतीय सेना के फौलादी सैनिकों का सामना करने के लिए चीन ने तिब्बती लड़ाकों को अपनी सेना में रातों रात भर्ती कर लिया है। हालांकि दोस्तों, चीन की हर एक चाल का जवाब देने के लिए भारत और भारत के जिगरी दोस्त देश भी हर वक्त तैयार रहते हैं। ऐसे में अब अमेरिका ने भारत के लिए जो ऐलान किया है, उसने चीन के दिमाग की बत्ती जला दी है। चीन को ये सबसे बड़ा झटका है। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के हजारों सैनिकों को रातों रात अमेरिका बुलाया है। चीन से संभावित युद्ध को देखते हुए भारत और अमेरिका के बीच चल रही शानदार रणनीति को चीन समझ ही नहीं पा रहा है। ना ही चीन ये समझ पा रहा है कि पीएम मोदी कहां, कैसे और कब कौन सी चाल चलने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने भारत के सैनिकों को क्यों बुलाया है, भारत और अमेरिका के बीच अब कौन सी नई डील हुई है और चीनी सेना को औकात दिखाने के लिए बाइडेन और मोदी के बीच क्या नया प्लान बना है, ये सब हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। चीनी सेना की एलएसी पर लग जाएगी लंका। बाइडेन मोदी ने चुपके से बना ली नई रणनीति। रातों रात बाइडेन ने अमेरिका बुलाए भारतीय सैनिक। दोस्तों, हम आपको दुष्ट देश चीन को देखते हुए भारत और अमेरिका के बीच बनी एक शानदार रणनीति के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको चीन और भारत के दोस्त रूस के बीच चल रही कूटनीतिक चाल के बारे में बताएंगे। चीन की इस चाल के बाद ही भारत और अमेरिका के बीच नया समझौता हुआ है। दोस्तों, रूस भारत का दोस्त जरूर है, लेकिन भारत की तरह वो चीन का भी सबसे खास दोस्त है। रूस चीन का दोस्त सिर्फ इसलिए है क्योंकि चीन रूस के दुश्मन यानी अमेरिका का पक्का दुश्मन है, तो बस यहाँ पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात हो रही है। रूस चीन पर इसलिए जान छिड़कता है क्योंकि चीन और अमेरिका में कहीं नहीं बनती। अमेरिका चीन को सुपर पावर बनता नहीं देखना चाहता और रूस अमेरिका को आगे नहीं निकलने देना चाहता। अब चीन और भारत के बीच एलएसी पर तगड़ा पंगा चल रहा है। बात तो युद्ध तक पहुंच चुकी है, इसलिए चीन ने भारत के खिलाफ व्यापक स्तर पर रणनीति बनाए हुए रूस के साथ एक बड़े सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया है, और ये युद्धाभ्यास जमीन पर नहीं बल्कि समंदर पर हुआ है। दोस्तों, चीन और रूस की नौसेना ने रूस के सुदूर पूर्व में संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। संयुक्त समुद्र 2021 नाम से ये युद्धाभ्यास बृहस्पतिवार को रूस के सुदूर पूर्व में पीटर महान की खाड़ी में शुरू हुआ और ये रविवार तक चला। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि युद्धाभ्यास के दौरान संचार, बारूदी सुरंग रोधी, हवाई खतरों और पनडुब्बी रोधी कार्रवाई का अभ्यास किया गया और इस दौरान समुद्री लक्ष्यों को संयुक्त रूप से निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि चीन ने एलएसी पर भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए ये सब किया।
रूस और चीन के बीच पहले भी इस तरह के युद्धाभ्यास होते रहे हैं, लेकिन पहली बार चीन ने अपनी पनडुब्बी रोधी विमान और 10,000 टन से अधिक जल विस्थापन क्षमता वाले विध्वंसकों को विदेश युद्धाभ्यास के लिए भेजा है, जो ये दिखाता है कि चीन भारत को देखते हुए ही ये सब कर रहा है। लेकिन दोस्तों, चीन का ये षड्यंत्र भी कुछ काम नहीं आया, क्योंकि चीन अगर रूस के साथ मिलकर ये सब कर सकता है तो फिर भारत ही क्यों पीछे रहे। इसी कड़ी में अमेरिका ने इसी समय सेम टू सेम एक्शन लिया है और तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति बाइडेन ने भारतीय सैनिकों को अमेरिका बुलाया है। इसको देखते हुए चीनी सेना भी हैरान हो गई है। अमेरिका ने अलास्का में बुलाई इंडियन आर्मी, रातों रात सैकड़ों जवान फौलादी इरादों के साथ उतरे। एलएसी पर चीन की हर एक चाल को तगड़ा जवाब देने और चीन की विस्तारवादी सोच को मिट्टी में मिलाने अमेरिका भारत के साथ आ खड़ा हुआ है। इस समय भारत और चीन के बीच जंग जैसे हालात हो गए हैं, जिसे देखते हुए अब अमेरिका और भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का काम किया है। भारत और अमेरिका की सेनाएं अलास्का में जमी हुई हैं। भारत और अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए अलास्का में 15 दिनों के लिए मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। भारत ने कहा कि युद्ध अभ्यास नाम के सैन्य अभ्यास का आयोजन अलास्का में जॉइंट बेस एल्मंडोर्फ रिचर्डसन में 15 से 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। भाग लेने वाले भारतीय जत्थे में भारतीय सेना की इन्फेंट्री बटालियन के 350 जवान शामिल होंगे। इस अभ्यास का पिछला संस्करण फरवरी में बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना ने कहा कि भारत और अमेरिका सेना के बीच चल रहा ये अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और पारस्परिकता को बढ़ाना है। हालांकि इसके पीछे प्रमुख मकसद तो चीन को मिलकर जवाब देने का है। चीन ने अगर कुछ भी हरकत की तो दोनों देश उसी वक्त जवाब देने के लिए तैयार होंगे। इतना ही नहीं, चीन को लेकर भारत एक और जगह पर अपनी ताकत दुनिया को दिखा रहा है। भारतीय नौसेना की मेजबानी में दूसरे चरण के वार्षिक मालाबार युद्धाभ्यास में इस बार परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोत कार्ल विंसन ने भाग लिया है। ये पहली बार है जब अमेरिका के विमानवाहक पोत ने इस नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया है। यानी दोस्तों, भारत की तैयारी पक्की है चीन को पटकने की, क्योंकि इस बार भारत के साथ इन देशों का सिर्फ सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, बल्कि बकायदा अमेरिका, ब्रिटेन और जापान ने तो साउथ चीन सागर, फिलीपीन सागर और अलास्का में तो युद्धपोत तैनात कर रखे हैं, जो घातक मिसाइलों, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और हजारों की संख्या में सैन्य बल के साथ तैनात हैं। इसे देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि भारत चीन से युद्ध में अकेला नहीं है, बल्कि भारत के साथ कई सारे देश हैं और चीन के पास पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे दो ही देश हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है? क्या भारत चीन को लेकर सही फैसले ले रहा है? क्या चीन की ताकत के लिहाज से भारत सही कदम उठा रहा है? मोदी सरकार इस समय जो भी डिफेंस डील कर रही है, उसे आप कितना सही मानते हैं? जो भी आपकी राय हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।